हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील के कल्चर टेस्ट के बारे में। ओके, तो गाइस ये टाटा स्टील का कल्चर टेस्ट क्या होता है बेसिकली, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स का ऐसा मेल आ रहा है कि कल्चर टेस्ट के लिए, तो स्टूडेंट्स को लग रहा था कि आपका जो सेकंड राउंड होने वाला है वो इंटरव्यू होगा डायरेक्टली, बट ऐसा नहीं है। फर्स्ट राउंड के बाद जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है, फर्स्ट राउंड की क्वालिफिकेशन के बाद आपको इस तरीके का मेल आता है जिसमें आपका सेकंड राउंड होने वाला है कल्चर टेस्ट। ओके, तो इसके बारे में बात करता हूँ, कल्चर टेस्ट होता क्या है, किस तरीके के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली इसके बारे में बात करें तो गाइस, जो आपका टेस्ट होता है वो बेसिक लेवल का होने वाला है, बट आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले वो थोड़े से ट्रिकी है, तो आपको अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि आपका इसीलिए वो टेस्ट रखते हैं ताकि वहाँ पे जो आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका सिलेक्शन का एक नेक्स्ट फेज है जहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे आपने क्लियर कर लिया ऑनलाइन टेस्ट, जो कि डिफिकल्ट होता है ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना, वो आपने कर लिया, देन आप इस वाले बेसिक टेस्ट में मिस्टेक मत करना, तो इसमें अच्छे से परफॉर्म करना। ओके, तो इसका जो आपका बेसिकली होता है वो बिहेवियर लेवल का टेस्ट आपका होता है, बिहेवियर। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं गाइस, बिहेवियर क्वेश्चंस होते हैं, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपकी क्या लॉजिकल स्किल्स हैं, आप किस तरीके से कंपनी में काम करेंगे, वो सारे बिहेवियर क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे। सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है बिहेवियर क्वेश्चंस में से, तो आपको उस तरीके के वहाँ पे आंसर करना है। तो गाइस आप गूगल पे भी सर्च करेंगे इस टेस्ट के बारे में, तो काफ़ी सारी लाइक कंपनीज लेती हैं अभी ये वाला टेस्ट भी, लेने लगी है जो आपका कल्चर टेस्ट होता है। लाइक कल्चर टेस्ट ये भी होता है, लाइक आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, कंपनी के इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप टाटा स्टील की वेबसाइट पे जाएंगे तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी, लाइक आप कंपनी में किस तरीके से वर्क करेंगे एज अ एम्प्लॉय, वो सारी माइंड सेट आपके पास अच्छे से होना चाहिए। एंड ऑल्सो अगर आप लाइक बेसिकली जो आपका लॉजिकल माइंड चलता है, किस तरीके से काम करने वाले हैं, किस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे, तो आपके वहाँ पे कुछ लॉजिकल एंड ट्रिकी क्वेश्चंस भी होने वाले हैं गाइस। तो गूगल पे आप सर्च करेंगे लाइक कल्चर टेस्ट के बारे में, तो आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो आपका जो होता है, आप SHL के रिगार्डिंग भी सर्च करेंगे गूगल पे, SHL के रिगार्डिंग, तो इसी टाइप का आपका ये टेस्ट फॉर्मेट होने वाला है। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे SHL और समथिंग, सो आपको उसी के रिगार्डिंग आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो गाइस बेसिकली स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन है कि एलिमिनेशन राउंड होगा या नहीं होगा, तो गाइस उन्होंने ये टेस्ट इसीलिए रखा है ताकि वो वहाँ पे फिल्टर आउट कर सकें स्टूडेंट्स को, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए होंगे ऑनलाइन टेस्ट में, तो इसीलिए आपका यहाँ पे फिल्टर आउट करने के लिए वो कल्चर टेस्ट रखा है कि आपका क्या कैपेबिलिटी है, क्या किस तरीके से आप सोचते हैं, क्या लॉजिकल स्किल्स हैं, किस तरीके से आपके स्किल्स हैं, वो सारी आपको यहाँ पे शो करना है। तो गाइस बेसिक टेस्ट है, बट आपको अच्छे लेवल से इसको परफॉर्म करना है, अच्छे लेवल से इसको प्रैक्टिस करना है अच्छे लेवल से, सो आप वहाँ पे कर सकते हैं गाइस। एंड इस मेल के रिगार्डिंग तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि रिजल्ट आउट हो चुका है, तो कुछ स्टूडेंट्स को मेल आया है, कुछ को नहीं आया है, तो उसके रिगार्डिंग मैं बताने वाला हूँ कि क्या रीज़न है कि उन नहीं आया है स्टूडेंट्स को मेल। सो गाइस कल्चर टेस्ट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप क्वेरी पूछ सकते हैं, एंड वहाँ पर मैं आपको लिंक्स भी दे दूँगा कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। सो आई होप यू लाइक दी वीडियो एंड थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।